हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बेसिक क्वेश्चन पेपर बोर्ड का सेक्शन ए के आंसर की। बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था ये। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है कि पेपर किस तरीके से लिखना है, सीक्वेंस में जाना है सेक्शन ए। अब इस कंडीशन के अंदर आप देखिए, सो 2x + 3y = 5, 4x + 6y - 10 = 10। अब ये कंडीशन के मुताबिक अगर हम रेशियो निकालें 2/4, तो मतलब आंसर आएगा 1/2। उसी तरीके से 3/6 का आंसर भी 1/2 आएगा। और यहाँ पे 5 = के उस तरफ है, तो हम इस तरफ अगर 5 लेके आए तो -5 हो जाएगा, तो -5/-10, तो भी आंसर मेरा 1/2 आएगा। मतलब कि a1/a2 = b1/b2, ये पूरी की पूरी कंडीशन सेम रहेगी। मतलब कि लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट वन के अंदर सिंपल प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोला है, मतलब कि c मेरा है 2 और a मेरा है 1, तो आंसर मेरा 2 आएगा। ये हमारी फॉर्मूला पूछी गई है डिस्क्रिमिनेंट की, सो d = b² - 4ac। ये nth टर्म के लिए ap की फॉर्मूला दी गई है, सो an = a + n - 1 × d। ऑप्शन है एरिया ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड 6 से पड़े हुए πr². ये बैठे बैठा क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं होगी, सो -1/0.5। अब सर्टेन मतलब के श्योर जो चीज होने वाली है, तो उसका आंसर 1 आएगा। मोड मतलब के जो रिपीटिंग आता है वही आपका आंसर होगा, तो 2 इसमें बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आंसर 2। HCF हमें निकालना आता है, 15 और 35 का HCF 5 होता है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसकी फॉर्मूला की पूछी गई है -b/a। ये हमारा ओरिजिन वाला ये भी क्वेश्चन बैठे बैठा टेक्स्ट बुक का है, √x² + y², उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस था, ये सेम टू सेम वही है। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि पेरीमीटर और एरिया सेम है, मतलब कि पेरीमीटर की फॉर्मूला 2πr और एरिया की फॉर्मूला πr². अब मेरे को पूछा किया गया है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो 1r कट, पाई कट, तो r मेरा 2 आया। यहाँ पे मेरा आंसर 2 यूनिट है, √5 इरेशनल है, सही बात है। अब अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, अगर पावर मेरा 3 है तो जितना पावर होगा उतना ही मेरा नंबर ऑफ जीरोस होगा, सो आंसर मेरा 3 करेक्ट है, सो आंसर इज ट्रू। ये भी आपके एग्जाम्पल के बैठे बैठा है, AP 222, क्या ये आर्थमेटिक प्रोग्रेस है, हाँ सही है। sin 60√3/2 है, लेकिन यहाँ पे 1/2 दिया गया है, तो फॉल्स। यहाँ पे हमारी फॉर्मूला दी गई है z = 2m - 3x², ये भी गलत है। और POE + POE⃗ = 1 आंसर आना चाहिए, लेकिन -1 दिया, ये भी गलत है। अब ये हमारे पॉइंट कितने जॉइंट हुए हैं एक्स एक्सिस पर, तो 3 पॉइंट जॉइंट हुए, आंसर आएगा 3। ये भी फॉर्मूला है sin²θ + cos²θ = 1। अब एक सर्कल है, अगर वहाँ से टेंजेंट पास होता है तो एक ही पॉइंट पे वो छुएगा, इसलिए आंसर मेरा आया है 1। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हमने किया हुआ है कि (2nd digit - 1st digit = 3rd digit - 2nd digit), क्योंकि डिफरेंस दोनों का सेम रहता है, तो k मुझे मिलेगा 40। ये वाला एक मस्त वाला क्वेश्चन मेरे को लगा, 23rd वाला, कि इसके अंदर मुझे बताना है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब 5 का कॉइन है तो मैं पहली बार मैं सोचूंगा कि ये स्पीयर है, लेकिन 5 का कॉइन है बराबर, तो ऊपर से सर्कल है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस भी दी हुई होती है 5 रुपीज़ के कॉइन में, मतलब ये सिलेंडर जैसा काम करेगा। सो πr² और थिकनेस के लिए हम h कंसिडर करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर πr² h, ये फॉर्मूला रहेगा। 24 के लिए summation of fi xi / summation of fi mean की फॉर्मूला लगा दीजिए, सो 245/100, तो 2.45। थैंक यू, नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।